वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांश राठौर। बॉलीवुड इंडस्ट्री में बीते कुछ महीनों से काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है दिग्गज अभिनेत्री नीतू कपूर। नीतू कपूर अपनी मच अवेटेड फिल्म जुग जुग जियो को लेकर इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। जैसे जैसे इस फिल्म की रिलीजिंग डेट करीब आ रही है, वैसे वैसे ही नीतू कपूर अपने दिल के कई राज को खोलती हुई देखी जा रही है इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान। और इसी बीच नीतू कपूर काफी ज्यादा इमोशनल होती हुई नजर आई है। वेल, आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट के जरिए कि हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है और ट्रेलर लॉन्चिंग के दौरान नीतू कपूर काफी ज्यादा भावुक होती हुई दिखाई दी है। वहीं अपने बेटे रणवीर कपूर और बहू आलिया भट्ट को लेकर भी उन्होंने एक बार फिर से अपनी खुशी को जाहिर किया। दरअसल आपको बता दें कि नीतू कपूर जहां एक तरफ रियलिटी शो डांस दीवाने जूनियर्स को जज कर रही हैं और शो के दौरान नीतू कपूर कई राज खोलती हुई भी देखी जाती हैं, वहीं नीतू कपूर दिग्गज अभिनेता अपने पति ऋषि कपूर को पल पल याद करती हुई भी नजर आती हैं। एक बार फिर से नीतू कपूर ऋषि कपूर को याद करती हुई देखी गई हैं, भावुक होती हुई नजर आई हैं और अपने दिल की तमाम बातें उन्होंने शेयर की इस ट्रेलर की लॉन्चिंग के दौरान। आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए कि राज मेहता के निर्देशन में बनी फिल्म जुग जुग जियो को लेकर जहां एक तरफ नीतू कपूर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, वहीं दूसरी ही तरफ वह ऋषि कपूर को काफी ज्यादा याद कर रही हैं। ऋषि कपूर के गुजर जाने के बाद नीतू कपूर ने खुद को पूरी तरह से व्यस्त कर लिया है और ऐसे में नीतू कपूर अपने दिल के दर्द को बयां करती हुई देखी जा रही है। आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिरकार ट्रेलर की लॉन्चिंग के दौरान नीतू कपूर ने क्या कुछ कहा है, जरा देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री नीतू कपूर एक बार फिर से काफी ज्यादा इमोशनल होती हुई दिखाई दी है। जानकारी के लिए आपको बता दें, नीतू कपूर की फिल्म जुग जुग जियो का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और इवेंट के दौरान नीतू कपूर काफी ज्यादा भावुक होती हुई नजर आई है। नीतू कपूर ने कहा कि मैं तुमसे ज्यादा किसी और की आभारी नहीं हो सकती हूँ करण। जी हाँ, करण जौहर को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी और आगे कहा कि तुमने मुझे प्रेरित किया और कहा कि मुझे दोबारा काम शुरू करना चाहिए। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा फैसला था। आखिरकार हमने फिल्म को पूरा किया। मुझे यकीन है कि चिंटू जी जहां भी हैं फिल्म देख रहे हैं और हमारे लिए बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। काश वो यहाँ होते। ये एक फिल्म हिंदी फिल्म के साथ मेरी वापसी है और मैं एक ही समय में वास्तव में भावुक और उत्साहित हूँ। इतना ही नहीं, नीतू कपूर ने ऋषि कपूर को याद करते हुए उनके निधन होने का जिक्र करते हुए कहा, मैं भावनात्मक रूप से बहुत सारी चीज़ें जा रही थी और कहीं ना कहीं फिल्म ने मुझे सदमे से बाहर आने में मदद की है। मैं करण और राज को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से कैमरा फेस करने और एक्टिंग करने के लिए सपोर्ट किया। इमोशनली ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल वक्त रहा। अब ट्रेलर आउट हो गया है। मेरे बेटे रणवीर ने फिल्म नहीं देखी है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो इसे जरूर पसंद करे। इतना ही नहीं, नीतू कपूर ने और भी तमाम बातें शेयर की ट्रेलर के लॉन्चिंग के दौरान। नीतू कपूर ने यहां पर धन्यवाद दिया पूरी ही स्टार कास्ट को और साथ ही साथ वह काफी ज्यादा मिस करती हुई नजर आई ऋषि कपूर को। जरा देखिए ये वीडियो। Could be subconsciously because I'm a Punjabi myself, or I don't think that was a thought that was, it wasn't deliberate at all. It just so happened that this story, when it came to me, was set in that backdrop, and I thought flavorful log hote hain by nature, so it would add that, you know. So that's how it is. It wasn't subconscious or deliberate at all. Neetu ji, welcome back after a long gap. This is your comeback film. What do you have to say? What do I have to say? This has been the best experience for me. You know, this is something which helped me with whatever circumstances I was going through. So I really thank Karan and
Raj for guiding me and for having such wonderful cast who were always there to support me, because mere liye to ye, it was again like a new place, you know. So everybody was so nice, so supportive, and this movie will always be very, very, very special to me. Very, very, very special. And it's, I'm very proud of this movie. I'm very proud. Ranbir has seen the movie as yet, or the trailer, because we just released a trailer. But he's going to love it. He's going to absolutely love it. There's nothing that you can't love about this film. Anilji. Ma'am, we'll just take this question, then we have a special announcement to make. Yes, ma'am, please go ahead with your question, and then we have an announcement. Anilji, namaste. Neetuji, namaste. Rekha Khan, Nau Bharat Times. Yahan par right mein, mein saal rahe hain. और इन दिनों हम देख रहे हैं कि डिवोर्स रेट चाहे हमारी इंडस्ट्री हो या आम जिंदगी हो बहुत बढ़ गई है, तो आप एक सॉलिड एक अच्छी शादी के लिए या मैरिज इंस्टीट्यूट के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये सवाल अनिल जी आपसे बिल्कुल बनता है, अभी हाल ही में आपकी एनिवर्सरी भी थी जी. बस मैं यही कहूँगा कि यू नो आई थिंक एवरीबॉडी इज हैप्पी इन देयर ओन स्पेस. You know, I, you know, whatever divorce, I'm not against divorce at all. Agar do insan, if they don't really get along, I think they should part and amicably. There's nothing wrong in that. मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, रियल लाइफ में आपकी मूवी का नाम जुग जुग जियो है, तो रियल लाइफ में आपने रणबीर और आलिया को जुग जुग जियो बोल दिया क्या? अरे क्यों नहीं बोलेंगी? मैं अपने बच्चों को जुग जुग जियो क्यों नहीं बोलूंगी? उनको तो सदा बहार जुग जुग जियो. वाह, चलिए, थैंक यू जयपुर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, मेंबर्स ऑफ द मीडिया, प्रोलिफिक मेंबर्स ऑफ द कास्ट, थैंक यू सो मच, पिलर्स ऑफ आवर फिल्म, थैंक यू सो मच. कैन वी नाउ रिक्वेस्ट द लीड मेंबर्स ऑफ दिस पैनल एंड स्टेज टू स्टैंड अप फॉर अ फाइनल फोटो. आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि नीतू कपूर किस तरीके से अपने दिल के दर्द को बयां करती हुई देखी गई है. इस फिल्म की रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 24 जून को ये फिल्म रिलीज होने को जा रही है. सुपरस्टार अनिल कपूर, वरुण धवन और कियारा आडवाणी भी इस फिल्म में अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं. इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़.